On farmers' protest, Shiv Sena UBT leader Priyanka Chaturvedi stated that it is very shameful that even after so much outrage and protest, the government is not listening to the voice of farmers. The farmers were compelled to hold protests as the central government did not fulfill the promises made to them. The government is anti-farmer. Let's in fact listen into what Priyanka Chaturvedi has stated. शर्मनाक है कि इतना आउटरीच के बावजूद, इतना प्रोटेस्ट के बावजूद अभी तक सरकार अपनी मनमानी कर रही है और किसानों की आवाज नहीं सुन रही है. किसानों को आपने एंटी टेररिस्ट कहा, आपने उनको टेररिस्ट कहा, आपने उनको प्रो खालिस्तानी बोला, उनको एंटी इंडिया बताया, उनको क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर 700 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हुए थे जब वो आपके 3 काले कानून का विरोध कर रहे थे. और आज वो फिर से मजबूर हो गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो आपने उस समय पे उनको वादा किया था उनके साथ वादा खिलाफी की है. ये सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है, और टियर गैस चलाना, उन लोगों को इंजर करना, ये सोचते हैं कि उससे किसान डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे. उनको भूलना नहीं चाहिए, 1 साल पूरा उनका आंदोलन चला तब जाकर आपको वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े. Daryl, we've earlier talked about this, that there's a political blame game that is taking place. Now we're seeing that Shiv Sena has also, the UBT has also entered into this broth, that we're seeing that Shiv Sena UBT leader Priyanka Chaturvedi has also stated that it's very shameful that that even after so much outrage and protest, the government is still not listening to the voice of the farmers. कांग्रेस एमपी प्रमोद तिवारी राव, शिवसेना यूपी लीडर एंड राज्यसभा एमपी प्रियंका चतुर्वेदी सेंट्रल गवर्नमेंट और फार्मर्स प्रोटेस्ट दैट इज टेकिंग प्लेस दैट इज वेरी शेमफुल दैट इवन आफ्टर सो मच आउटरेज एंड प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट इज नॉट लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ फार्मर्स. फार्मर्स आर कंपेल्ड टू होल्ड प्रोटेस्ट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट डिड नॉट फुलफिल द प्रॉमिस मेड टू देम एंड द गवर्नमेंट इज एंटी फार्मर, शी सेड व्हाइल स्पीकिंग टू मीडिया हाउस. सो यस, we can say that the blame game is now going on, where the opposition India Bloc Alliance taking jab at the central government over the farmers issue. Back to studio. All right, Daryl, thank you so much for joining us on the telecast.